Assalamualaikum everyone. Today we are discussing about the concept of breaking middle term, that is in the in according quadratic equations. और इसमें ये होता है कि अगर आपके पास फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन टर्म्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म, तो यह हम कहेंगे फर्स्ट मिडल एंड द लास्ट टर्म. मिडल कह लेते हैं हम इसको, एंड द लास्ट टर्म, ठीक है. अब अगर इस तरह का किस कंसेप्ट है कि फर्स्ट टर्म है, मिडिल टर्म है और लास्ट टर्म है, तो हम जो मिडिल वाली टर्म है उसको दो टर्म्स में ब्रेक करते हैं. अब दो टर्म्स में ब्रेक करने का इसका तरीकाकार क्या है कि जब दो नंबर्स में आप ब्रेक करते हैं उसको, तो आपने किस लिहाज से करना है. अगर आखिरी नंबर के साथ प्लस है, ठीक है, तो हम देंगे कि जो दोनों वैल्यूज़ ले रहे हैं उन दोनों के साथ सेम साइंस आएंगे, ठीक है. अगर लास्ट टर्म के साथ प्लस है, ठीक है, लास्ट टर्म अगर पॉजिटिव है, तो हम क्या कहेंगे कि जी ये जो भी टर्म्स हम ले रहे हैं दो दरमियान वाली, इन दोनों के साथ सेम साइन आएंगे, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव. अब कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो मिडिल वाली टर्म के साथ देखेंगे. अगर मिडिल वाली टर्म के साथ प्लस हुआ तो दोनों टर्म्स के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा. और अगर मिडिल टर्म के साथ माइनस हुआ तो फिर क्या आएगा, उन दोनों टर्म्स के साथ माइनस आएगा. दूसरा कंसेप्ट ये है, एक तो ये हो गया, दूसरा कंसेप्ट हमारे पास ये है कि अगर लास्ट टर्म के साथ नेगेटिव हुआ, आखिरी टर्म, ये जो लास्ट टर्म है, इसके साथ अगर नेगेटिव साइन हुआ, तो जो दो नंबर्स देंगे उन दोनों के साथ क्या होंगे, ओपोजिट साइंस होंगे, ओपोजिट साइंस होंगे दोनों के साथ. और ओपोजिट साइंस मीन कि आइदर इट इज़ प्लस और आइदर इट इज़ प्लस और प्लस एंड माइनस, एंड की बात करेंगे हम, ठीक है. प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. ओपोजिट साइंस में होगा कि एक के साथ प्लस होगा दूसरे के साथ माइनस होगा. और आप हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ प्लस है और किसके साथ माइनस है, तो फिर हम मिडिल टर्म पे फिर आएंगे. अगर मिडिल टर्म के साथ प्लस हुआ तो बड़ी टर्म के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, ऑटोमेटिकली दूसरी छोटी के साथ माइनस आ जाएगा. और अगर मिडिल वाली टर्म के साथ माइनस हुआ तो फिर हम क्या करेंगे कि बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वाली के साथ प्लस लगाएंगे. तो इस तरीके से ओपोजिट साइंस आप लगाते हैं. तो ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म का एक प्रोसीजर है. अब एग्जांपल्स चलते हैं, उसके साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं. तो पहले मैं एग्जांपल्स दूंगी पॉजिटिव वाली की. अगर आखिरी टर्म से पॉजिटिव है तो क्या तरीका कार है, इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है, देखिए आखिरी टर्म के साथ प्लस है, इसका मतलब जो दोनों नंबर्स लेंगे दोनों के साथ क्या साइन होंगे, प्लस होंगे, ठीक हो गया. तो ये एक्स स्क्वायर है और ये अब एक्स के थ्री एक्स को हमने, अच्छा ब्रेक करने का क्या तरीका कार होता है कि आप ब्रेक किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई हूँ कि हम ब्रेक किस तरीके से करते हैं दो नंबर्स को, कि उनको मल्टीप्लाई करें इन दो नंबर्स को तो लास्ट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आए, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म आंसर आना चाहिए. मतलब जो दो नंबर्स आप कंसिडर कर रहे हैं उनको प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आए, उनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट टू नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आए. तो अब अगर एग्जाम्पल पे आएँ तो देखें, हम हमारे पास जो लास्ट टू नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, टू एक्स स्क्वायर है. तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स स्क्वायर आए, प्लस करें तो थ्री एक्स आए. अब जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया कि आखिरी टर्म के साथ अगर प्लस है तो जो दोनों टर्म्स लेंगे उनके साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा. अब देखें, अब कौन सा नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं, टू एक्स और एक्स अगर हम कंसिडर करें तो टू एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, टू एक्स स्क्वायर आता है, और अगर टू एक्स में एक्स ऐड करें तो थ्री एक्स आता है. तो इस तरीके से हमारी जो है रिक्वायर्ड ब्रेकिंग हो गई है. अब पहले दो नंबर्स में से कॉमन लेंगे, कैसे, एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या आ गई, दो पावर थी, एक पावर रह गई, और इधर से एक्स चला गया तो सिर्फ टू रह गया. यहाँ से वन कॉमन लेंगे तो अंदर आ गया एक्स प्लस टू. अब दोनों में से कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, जी एक्स प्लस टू कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, एक्स प्लस वन. तो इस तरीके से ये हमारी एग्जाम्पल जो है वो कम्प्लीट हो गई है. अब इसी का दूसरा वर्जन लेते हैं कि अगर हमारे पास आखिरी टर्म में प्लस है और मिडिल टर्म का माइनस है तो हम क्या करेंगे. ये तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, अब एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. आप देखें जी, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 27x के आना चाहिए, और माइनस प्लस माइनस करें तो माइनस 12x आना चाहिए. अब हमें पता है कि 9 3 27 होता है. अब अच्छा, एक और बात यह कि अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है जो दो नंबर्स लेंगे उन दोनों के साथ सेम साइन होंगे, और मिडिल वाली टर्म के साथ माइनस है, इसका मतलब है जो दो टर्म्स, दोनों टर्म्स लेंगे दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है. अब हमें पता है 9 3 27 होता है, और 9 में 3 ऐड करें तो 12 आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर ले लेंगे 9x और
3x, 9 3s are 27, x x से मल्टीप्लाई हुआ 27, x square माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो प्लस 27 x square आ जाएगा। और जब ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, 9 में 3 ऐड हुआ 12, और बड़ी टर्म के साथ माइनस था, इसलिए आंसर के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। अब कॉमन ले लेते हैं, पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, x, x माइनस 9 आ गया, इधर से माइनस 3 कॉमन लिया, तो जब माइनस 3 कॉमन लिया यहाँ से क्या बच रहा है, x यहाँ पे प्लस था, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3, 9 आर 27। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये फैक्टर्स शुड बी सेम बोथ है, अगर यहाँ पे सेम नहीं आ रहे, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक आ रही, इसका मतलब है आपने कोई गलती किया, उसको दोबारा रीचेक करें। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 9, इधर क्या बच गया x, और इधर क्या बच गया माइनस 3। तो इस तरीके से प्लस वाली दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अब जाते हैं माइनस वाली एग्जांपल्स पे कि अगर आखिरी नंबर के साथ माइनस है तो हम किस तरीके से उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो अब देखें इसके सोल्यूशन में अगर हम जाएं तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो प्लस एक्स आना चाहिए। ठीक है जी, तो किस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अब देखिए ना आखिरी टर्म से माइनस है, इसका मतलब है जो दोनों टर्म्स लेंगे दोनों के साथ मुख्तलिफ साइन होंगे, हमें कैसे पता चलेगा किसके साथ कौन सा साइन है, हम मिडल वाली टर्म के पास आएंगे, मिडल वाली टर्म के साथ प्लस है, इसका मतलब है बड़ी वाली टर्म के साथ प्लस आएगा और छोटी वाली के साथ माइनस आएगा और आखिरी टर्म आ जाएगा। आप देखिए क्या है, अगर हम लेते हैं माइनस टू एक्स स्क्वायर हमें लाना है, तो हम 2x में से x जाएँ तो x रह जाता है, और 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x, x प्लस टू रह गया, इधर से माइनस वन कॉमन है, अंदर x प्लस टू रह गया, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस टू, और अंदर क्या बच गया, x और माइनस वन। तो इस तरीके से ये हमारी एग्जाम्पल जो है वो सॉर्ट आउट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टर्म के साथ माइनस है और मिडिल वाली टर्म के साथ भी माइनस है, इसका मतलब है बड़ी टर्म के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइंस होते हैं, तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करें तो क्या आए जी, माइनस सिक्स एक्स के रहा है, प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स आना चाहिए। तो 6x में से थ्री टू ज़ार सिक्स होता है, और 3 में से 2 जाए तो x रह जाता है। तो हम इस तरीके से अब बड़ी टर्म के साथ क्या लगाना है, माइनस, और छोटी टर्म के साथ क्या लगाना है, प्लस। तो 6 होता है और 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6 एक्स स्क्वायर, और 3 में से 2 जाएँ तो माइनस एक्स, भी बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, x माइनस 3 रह गया, इसमें से 2 कॉमन आया, अंदर x माइनस 3 रह गया, दोनों में से क्या कॉमन आया, x माइनस 3, तो अंदर क्या रह गया, x प्लस 2। तो इस तरीके से हमारी माइनस वाली एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो ये कंसेप्ट था जी ब्रेकिंग मिडिल टर्म का, इस तरीके से हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, और ऐसे ही केसेस, चार केसेस ही होते हैं हर जगह, जिस भी लेवल पे आप हैं, चाहे आप मिडिल लेवल से हाई लेवल पे, हायर लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते हैं, जहाँ पे भी मैथमेटिक्स में आप क्वाड्रेटिक की अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं और आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो यही चार प्रोसीजर्स हैं, उन्हीं को ही बार बार आप फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार था।